उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप प्लान कर रही है। यह देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप होगा जहां हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। फिलहाल राज्य सरकार की तैयारी 5 एजुकेशन टाउनशिप बनाने की है। जानकारी के अनुसार डेलाइट इंडिया कंपनी के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एजुकेशन टाउनशिप के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, डेलाइट इंडिया कंपनी प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए राज्य सरकार की सलाहकार कंपनी है। आइए जानते हैं इस एजुकेशन टाउनशिप के बारे में। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पर बेस है टाउनशिप। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने के पीछे का आइडिया युवाओं को हाई क्वालिटी एजुकेशन देना है। इसके अलावा सभी छात्रों को एक ही जगह पर प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। ये टाउनशिप सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के आइडिये पर बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि छात्र बिना किसी एक्सपीरियंस के इस एजुकेशन टाउनशिप में आएंगे और कई सारी स्किल्स सीख कर जाएंगे। एजुकेशन टाउनशिप में होगा क्या अलग? एजुकेशन टाउनशिप में टीचर और स्टूडेंट्स के लिए रहने की व्यवस्था होगी। देश विदेश की जानी मानी यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस इस टाउनशिप में खोल सकेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। यहाँ से स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, लॉ और मेडिसिन में रिसर्च करने की भी व्यवस्था होगी। अटल रेजिडेंशियल स्कूलों की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी इसी जगह खोले जा सकेंगे। इस टाउनशिप में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज भी होंगी जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सभ्योदय जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी शुरू किए जाएंगे जिससे नीट, जेईई, यूपीएससी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकेगी। सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था होगी। नौकरी या स्टार्टअप के लिए सही गाइडेंस भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।